मोहन यादव पर कौन है भारी? फिर से मोहन यादव पे कौन है भारी? बात यह है कि इस प्रदेश में नर्सिंग का घोटाला हुआ, लगातार नर्सिंग के परिवार के लगभग 4 लाख से ऊपर खासकर एसटी आदिवासी परिवार की बहनें बेटियां जिन्होंने पेट काट काट कर फीस भर दी, पर पता नहीं उस जो उन्होंने जिस कॉलेज की फीस भरी उसका होगा क्या। सरकार कितनी दिशाहीन है कि बता नहीं पा रही है कि नर्सिंग के छात्रों का आगे भविष्य क्या होगा। पता नहीं पा रही है कि जो मंत्री जिसने के कार्यकाल में करप्शन हुआ उससे कैसे सरकार निपटेगी। कौन अधिकारी कर्मचारी दोषी है बता ही नहीं। जो सीबीआई अधिकारी आए थे वो भी करप्ट निकले। ऐसा प्रदेश जिसने व्यापम का कलंक लगाया, ऐसा प्रदेश जिसने पटवारी घोटाले का कलंक लगाया, ऐसा प्रदेश जिसने लगातार एक भी एग्जाम ऐसी नहीं जिसके पेपर लिखना होते हो, ऐसा प्रदेश जिसमें लगातार घपले और घोटालों की एक पूरी लंबी लिस्ट बना दी हो, काला कर दिया मध्य प्रदेश के भविष्य को। साथियों सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जी या तो इनसे निपटना नहीं चाहते हैं या खुद ऐसे करप्शन और भ्रष्टाचार युवाओं के अगेंस्ट, छात्रों के अगेंस्ट उनकी पार्टी और उनका विचार करवाता है। अगर नरेंद्र मोदी की नियत में खोट नहीं होती तो जैसा अभी उमंग सिंघार जी ने कहा, प्रदीप जोशी ये एबीवीपी के कार्यकर्ता थे और यहाँ मध्य प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी में इनकी नौकरी लगी, फिर यहाँ से यूपीएससी के पीएससी के प्रदेश के हमारे चेयरमैन बने, यहाँ से फिर छत्तीसगढ़ पीएससी के चेयरमैन बने, फिर यूपीएससी में सबसे बड़ा ओहदा इनको मिला और अभी ये नीट और नेट के एग्जाम का जो सबसे बड़ा अभियुक्त है वो इनका ही विभाग है जिसमें ये चेयरमैन है। साथियों अगर नरेंद्र मोदी जी थोड़ी सी ईमानदारी होती तो प्रदीप जोशी से इस्तीफा तो लेते, जांच के दायरे में तो डालते, पर नहीं डाला। इसका मतलब है नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, मोहन यादव, बीजेपी के संरक्षण में युवाओं के भविष्य का कत्ल होता है। पेपर लीक मुद्दे, नर्सिंग घोटाला, अग्निवीर योजना समेत अन्य मुद्दों को लेकर सोमवार को राजधानी भोपाल में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने जा रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बीच में हो रोक लिया। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े, साथ ही वाटर कैनन का प्रयोग भी किया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे समेत कई नेता घायल हो गए हैं। आशुतोष चौकसे को सिद्धांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पटवारी समेत कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया है। सोमवार को सीएम हाउस घेराव के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को रास्ते में रोकने के लिए पुलिस ने कड़े इंतजाम किए थे और भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। एनईटी और नर्सिंग घोटाले को लेकर किए गए विरोध प्रदर्शन में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी समेत कई नेता शामिल हुए। इस दौरान राजधानी भोपाल की लिंक रोड नंबर 1 को बंद कर दिया गया। पटवारी ने कहा कि आज हम पर बल प्रयोग, पानी की बौछारें और आंसू गैस का इस्तेमाल करके जो संदेश दिया गया है वह यह है कि आप सभी ने भाजपा को वोट देने के बाद भी आपके बच्चों के भविष्य का गला घोंट दिया है। हमारा विरोध जारी रहेगा, हम कल FIR दर्ज कराएंगे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि प्रदेश में युवाओं में हताशा है, हर परीक्षा में घोटाला हो रहा है, नर्सिंग परीक्षा में भी बड़ा घोटाला सामने आया है, सरकार फर्जी कॉलेज की परमिशन दे रही है, सरकार विश्वास सारंग पर कार्रवाई क्यों नहीं करना चाह रही, क्या विश्वास सारंग से मुख्यमंत्री डरते हैं, ऐसे भ्रष्टाचारी मंत्री को अपने साथ क्यों रखे हैं, इसका जवाब मुख्यमंत्री दें।
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि देश के छात्रों के साथ हुए अब तक के सबसे बड़े नर्सिंग घोटाले और नीट परीक्षा में धांधली के खिलाफ एनएसयूआई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज राजधानी भोपाल में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर जिस तरह की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई मध्य प्रदेश सरकार ने की है वह निंदनीय है। यह जनता और विपक्ष के शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार का उल्लंघन है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इस तरह की ज्यादती का विरोध करेगा और हर मौके पर जनता के मुद्दे इसी पुरजोर ढंग से उठाता रहेगा। भोपाल में कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने एनईटी पेपर लीक, नर्सिंग घोटाला, अग्निपथ योजना सहित प्रदेश में छात्र संघ चुनाव के मुद्दे पर मुख्यमंत्री निवास आयोजित किया, जिसमें एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, उप नेता विपक्ष हेमंत कटारे, विधायक जयवर्धन सिंह, पूर्व विधायक कुणाल चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे सहित तमाम नेता उपस्थित रहे। परिवार वालों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी छोड़ रही है, लाठी चार्ज कर रही है, वाटर कैनन कर रही है, लोगों को घायल कर रही है। ये मैसेज है कि बीजेपी कहती है प्रदेशवासियों आप हमें वोट दो, हम आपके बच्चों के भविष्य का गला रौंद देंगे। नर्सिंग हो, व्यापम हो, पटवारी हो, अलग अलग तरह की कितनी भी एग्जाम, पीएससी की, यूपीएससी, पीएससी की जितने भी घपले और घोटाले हो, सब बीजेपी कराती है और उन्हीं लोगों के बच्चों के गले घोटती है जिनने उनको वोट दिया। तो सोचो, समझो प्रदेशवासियों, देखो, जागो, बस यही अनुरोध। जो नेट दिल्ली में इतना बड़ा घपला हुआ उसके चेयरपर्सन है जोशी जी, उनका इस्तीफा मोदी जी ने नहीं लिया। मैसेज क्या था कि उनके संरक्षण में ये सब चल रहा है, यही पीएससी में थे, यही छत्तीसगढ़ पीएससी में थे, यही उसके बीच में यूपीएससी में थे, तो जहां गए वहां घपले और घोटाले की फेरिस्त आई। बीजेपी ने इनको संरक्षित किया। बीजेपी का विचार मध्य प्रदेश की जनता को ये मैसेज दे रहा है कि आप हमें वोट दो, हम आपके बच्चों के भविष्य का गला घोट देंगे।